Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. बहुत इमोशनल सीन है और मेरे हस्बैंड जो है मुझे लेने आते हैं पास, सबको दिखाते हैं कि वो मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत ही शरीफ है एंड ही प्लेज अ विक्टिम कार्ड, लेकिन मुझे पता है कि वो कितना दरिंदा है एंड ही समबडी हु फिज़िकली अब्यूज़ मी, बहुत टॉर्चर किया उसने मुझे और वो यहाँ पे दिखाता है लेने आया, वो लीगली मुझे लेने आया है बिकॉज वो पूरे लॉयर के साथ, पेपर्स के साथ आता है, कॉप्स के साथ आता है मुझे लेने के लिए। तो मेरा पूरे एकेडमी जहाँ मैं इतना सेफ फील करती हूँ वो भी कुछ नहीं कर पाए हैं। तो जहाँ एक ऐसी जगह जहाँ कोयल भाग के आई थी छुपने के लिए, वो भी जगह उसे छीन ली गई और उसको मजबूरन वापस जाना पड़ रहा है अपने हस्बैंड के पास, क्योंकि वो उसका बच्चा जो है साथ में ले गया है, वो बच्चे को इमोशनल करके ले जाता है, मतलब बिकॉज द किड डजंट नो अबाउट द डैड बीइंग अ बैड डैड, आई मीन अ बैड हस्बैंड। तो क्योंकि मेरा बच्चा भी जा रहा है तो मुझे भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि लीगली उसकी कस्टडी मेरे हस्बैंड को मिल सकती है इजीली एंड ही इज़ वेरी पावरफुल। इतना रोए हैं कि जब हमारा मास्टर शॉर्ट चल रहा था, मुझे रोता हुआ देख के सब असली में रोए हैं, मतलब सबके सब रोए, दे वर हाउलिंग इन फेस, फीलिंग इट, मतलब आई वॉज फीलिंग लाइक हाउलिंग एंड एवरीवन, यू नो एक एनर्जी होती है जो सबको महसूस हो जाती है, एंड क्योंकि हम एक दूसरे के इतने अच्छे से जुड़े हैं एज एक्टर्स, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो सबको महसूस होने लगा और मुझे लगा कि कितना अच्छा है कि हम एक सीन को इतने अच्छे से कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। मतलब करण जिसको नहीं रोना है उसके भी आंखों में आंसू आते हैं, करण मतलब शालीन जो हैं, करण सर, उनको भी आंसू आ रहे हैं। तो और हर एक के साथ मेरी एक केमिस्ट्री है एंड एवरी वन स्टार्ट्स फीलिंग गिल्टी, इवन सुमन जी जिससे मेरी इतनी लड़ाई होती है, शी स्टार्ट्स फीलिंग लाइक क्राइंग। तो बहुत इमोशनल सीन, और इससे पहले मैंने इमोशनल सीन्स किए नहीं थे, मेरी बिगनिंग हुई थी बहुत ब्रेव, एक लड़की जो अपने कुछ चीज़ छुपा के आई है, बहुत बोल्ड है और बहुत ही ब्लंट है, कट टू कट है, किसी को हाथ नहीं लगाने देती, फाइटर है और मारधार भी करती है। कट टू दिस इमोशन इन अ पर्सन जो इतनी वीक है और कुछ नहीं कर पा रही है अपने हस्बैंड के सामने, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग टर्न है और वहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी अच्छा काम करके और ऐसे सीन्स लिखे जाते हैं। एंड ऑफकोर्स इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू बिकॉज रोज़ मेरे ऐसे सीन्स आ रहे हैं। ऑल्सो दिस मदर इज़ अनकन्वेंशनल मदर, आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं ड्रेसअप हूँ, ये वो एक नॉर्मल मॉडर्न वुमन ऑफ टूडे है कि मेरे जैसी अगर लड़की के साथ ऐसा हो सकता है जो एजुकेटेड है, जो मॉडर्न है, जो इतनी फाइटर है, तो इमेजिन कीजिए इंडिया में कितनी औरतों के साथ क्या क्या होता होगा, वो निकल नहीं पाती हैं। तो दैट्स द सिचुएशन कि हम कश्मकश में कि कैसे हम एक पंछी को जैसे बंद कर देते हैं पिंजरे में और वो तड़प रही है, फड़फड़ा रही है और उसकी जो जो चाबी है वो मालिक के पास है, तो वहीं कुछ स्थिति है मेरी इस वक्त। बहुत खुश हूँ कि इसी तरीके से देखते जाइए। एक बात बहुत खूबसूरत है इस शो की, वो ये कि सब बहुत रियल इमोशन महसूस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स वो महसूस करते हैं, चाहे वो रोने का सीन हो, चाहे चिल्लाने का सीन हो, चाहे रोमांस का सीन हो या मजाक का सीन हो, और वो इमोशन आप तक पहुँच सके
तो और आप लोग वो महसूस कर सकें तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि हम बहुत सच्चे दिल से काम करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, एक केमिस्ट्री बना के आपके सामने लाते हैं और वो आपको महसूस होती है, तो नेचुरली यू नो यू स्टार्ट इन्जॉइंग इट बिकॉज आप उन कैरेक्टर्स को बिलीव करने लगते हैं एंड उनकी केमिस्ट्री पे विश्वास करें, तो आप एक्चुअली उसका एक पार्ट बन जाते हैं एंड दैट्स हाउ द TRPs इंक्रीज। एंड तो देखते रहिए, एंटरटेन होते रहिए, हमें फीडबैक देते रहिए, बस।